Good morning friends, today we are going to start the fourth chapter of business studies, that is planning. Management ki definition mein aapne padha ki management is a process. Process means primary functions or activities which every manager has to do, like planning, organizing, staffing, directing and controlling. Planning is the first main function of management. We are going to study this main function today. First, we see the examples. In June 2020, the relation between India and China were not so good. So, government planned and banned 59 Chinese apps. Government planned to cut import dependence by building local capacity. Coronavirus ke karan logo ke rojgar chale gaye. तो गवर्नमेंट ने प्लानिंग की कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को दिए जाने वाले मुफ्त अनाज की स्कीम को जुलाई से नवंबर तक एक्सटेंड किया जाएगा. इसी तरह एज ए स्टूडेंट आप भी प्लानिंग करते हैं कि आपको 12th स्टैंडर्ड में कितने परसेंटेज स्कोर करने हैं. इसके हिसाब से आप अपना टोटल टाइम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अलोकेट करते हैं. आप प्लान करते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट को ज़्यादा स्ट्रेस देना है, कौन सा आपका वीक सब्जेक्ट है. इसी तरह जब तक गवर्नमेंट कोरोना वायरस के कारण स्कूल और कोचिंग क्लासेस को रीओपन करने की परमिशन नहीं देती, आप अपनी ऑनलाइन स्टडी भी प्लान करेंगे. इसी प्रकार हर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्लानिंग करता है ताकि वह अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सके. इस डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट और ग्लोबलाइजेशन के दौर में प्रॉपर, टाइमली, रियलिस्टिक और इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो. मीन्स इट ब्रिजेस आर करेंट स्टेटस एंड द फ्यूचर इमेजिनेशन. Now we see the definition of planning. Planning refers to the process of setting objectives for a given time period. इसका मतलब plans बहुत specific होना चाहिए, एक particular time period के लिए होना चाहिए जिसमें objective measurable हो. जैसे a manager wants to increase profit by 5% in July 2020. यह बहुत स्पेसिफिक प्लान है क्योंकि यह एक महीने के लिए है और इसका ऑब्जेक्टिव भी मेजरेबल है. फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव देम. इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स, कोर्सेज ऑफ एक्शन हो सकते हैं. जैसे 5% प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए हम सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, टोटल सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिक्रीज कर सकते हैं. एंड देन सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शंस अवेलेबल. अब इन तीन ऑप्शंस में से हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेस्ट सुटेबल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव है वह सिलेक्ट करना होगा और उसे एग्जीक्यूट करना होगा. I hope you have understood the definition of planning. Now we see features of planning. The first feature is planning focuses on achieving objectives. चाहे individual हो या organization, सबसे पहले वह अपना objective decide करते हैं. इस objective goal के हिसाब से अपनी planning करते हैं और फिर उसे execute करते हैं. यही प्लानिंग हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है. जैसे स्कूल में टीचर सबसे पहले यह डिसाइड करते हैं कि उन्हें 100% कोर्स कब तक फिनिश करना है. फिर इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चैप्टर वाइज, मंथ वाइज अपना टीचिंग प्लान बनाते हैं. द सेकेंड इज प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, जिसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. इन 5 फंक्शंस में प्लानिंग सबसे प्राइमरी बेसिक फंक्शन है जो हर मैनेजर को करना पड़ता है. थर्ड इज प्लानिंग इज परवेसिव. परवेसिव मीन्स ओमनी प्रेजेंट, विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर. आप इंडिविजुअल हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सभी को अपने एरिया के लिए प्लानिंग करनी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग केवल टॉप मैनेजमेंट नहीं करते बल्कि मिडल लेवल और लोअर लेवल भी अपने अपने डिपार्टमेंट एरिया के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। हो सकता है कि इनकी नेचर और एक्सटेंट में डिफरेंस हो। जैसे टॉप लेवल मैनेजर्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, जबकि मिडल लेवल अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लान करते हैं और ऑपरेशनल लेवल लोअर लेवल ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं। द फोर्थ इज प्लानिंग इज कंटिन्यूस। प्लान्स एक स्पेसिफिक पीरियड जैसे 1 month, 6 month, 12 months के लिए बनाए जाते हैं। यह पीरियड ओवर होने के बाद उन्हें करेंट प्लान में मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं या फिर न्यू ऑब्जेक्टिव के लिए न्यू प्लान बनाना होता है। सो वी कैन से दैट प्लानिंग इज कंटिन्यूस इन नेचर। अब यह बिजनेस एनवायरमेंट बहुत ही डायनामिक है तो हमें हर बार नए प्लान की जरूरत होती है। द फिफ्थ इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लान्स हमेशा फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं। फ्यूचर में क्या हो सकता है, उस समय हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या होगा, यह प्रेडिक्ट और एनालाइज करके ही प्लानिंग की जाती है। अब जैसे एक सेल्स मैनेजर यह डिसाइड करेगा कि सीजन में वह कितनी सेल कर पाएगा, इस प्रेडिक्शन के हिसाब से ही वह प्रोडक्शन प्लान करेगा। नाउ द सिक्स्थ फीचर इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लान्स ड्राफ्ट करते समय डिसीजन मेकिंग का अहम रोल है। जिस केस में लक्ष्य को पाने के लिए दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, वहाँ सबसे पहले यह डिसीजन लेना होता है कि इन ऑप्शंस में से बेस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा है। जैसे कि यदि आपको हाई पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन करनी है तो दो ऑप्शन अवेलेबल है, या तो प्रमोशन करके आप यह पोस्ट फिल कर सकते हैं या फिर एडवर्टीजमेंट देकर न्यू कैंडिडेट को इस पोस्ट के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन जिस केस में कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है, वहाँ डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है और इसलिए प्लान की भी जरूरत नहीं है। नाउ द लास्ट इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। क्योंकि यह एक थिंकिंग प्रोसेस है, इसमें सिस्टमैटिक फोरसाइट, इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस और जजमेंट की जरूरत होती है। इस मेंटल एक्सरसाइज में क्रिटिकल एनालिसिस और थिंकिंग प्रोसेस बहुत जरूरी है, तभी प्रॉपर प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।